इसमें दोबारा देश को नई तरह से बसाया जाएगा। जो आदमी जो व्यक्ति अब से पहले लग चुका 2004 से सेवारत है, आज वो प्राइवेटिज्म की तरह पर हमारा देश जा रहा है, तो वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारे लिए देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। आप हमारे स्कूलों में आइए, अगर देश के असली युवा को, असली पिछड़े दलित और हमारे शोषित वर्ग के बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम पढ़ाते हैं। वो भी इंडस्ट्री है, पब्लिक स्कूल इंडस्ट्री हो चुके हैं। आप प्राइवेट करके देख लें, फिर कहाँ से ये वर्ग पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा, ये भी आप एक बार कल्पना करके सोच देखें। शिक्षक देश निर्माण करता है, शिक्षक नए नए बच्चों को, नई नई पीढ़ी को तैयार करता है। हम हराने जिताने में नहीं, हम समझाने में विश्वास रखते हैं। तो प्रधानमंत्री जरूर इस बात को मानेंगे, समझेंगे, समझाएंगे और हमें आंदोलन पर विवश शायद ना होना पड़े। क्या शिक्षक के परिवार की स्थिति अच्छी नहीं होनी चाहिए? क्या उसको एक सम्मानजनक वेतन नहीं मिलना चाहिए? आप देख रहे हैं जनहित आवाज, मैं हूं आपके साथ पूजा। और आज यहां कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अध्यापकों की एक बैठक बैठेगी और जिसमें बहाली के लिए यहां पर अपने जो है मुद्दे इन्होंने रखे हुए हैं। तो अभी हमारे साथ उन्हीं में से अध्यापक हैं। तो सर, क्या कुछ मुद्दे हैं और क्यों बहाली के लिए आपको यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब आना पड़ा है? देखिए, जो पेंशन है ये एक एम्प्लॉय का अधिकार है, ये उसके बुढ़ापे की सुरक्षा है और ये उसके पूरे जीवन का प्रतिफल है। जो पूरे जीवन वो निर्धारित वेतनमान में, निर्धारित वेतन में सरकार की सेवा करता है, तो इसीलिए करता है कि मैं लाइफ में सिक्योर हूँ और अपनी पूरी लाइफ, मेरी जब जो नौकरी लगते हैं तो अपनी लाइफ में वो महसूस करते हैं कि मेरा पूरा जीवन सिक्योर है। अब ऐसे में आके अगर उसको पेंशन नहीं मिलेगी तो उनका जीवन में बड़ा एक तरह से अनिश्चितता का माहौल हो जाएगा। इसलिए पेंशन देना एक बहुत ज़्यादा आवश्यक चीज़ है और मैं ये मानता हूँ कि ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में बंद हुई थी और बहुत सारे सुधार इस गवर्नमेंट ने किए हैं, माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किए हैं। इस दौर पता नहीं कि उनका ध्यान क्यों नहीं जा रहा, ध्यान जाना चाहिए। युवाओं की सुरक्षा आप पहले से निर्धारित करते हैं, आप तो बुढ़ापे की सुरक्षा, जो जिन्होंने सरकार की सेवा की, पुता उम्र 60 साल की उम्र तक जिन्होंने 33 वर्ष जो सेवा की, उनका बुढ़ापा सुरक्षित करना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी ने, आप बोल रहे हैं ना कि बहुत अच्छा काम किया है, तो फिर क्यों परेशान है? थोड़ा सा आशा और उम्मीद, आशा देखिए, पेशेंस की बात यह है कि 2004 के बाद बंद है ये। और 2004 के बाद एक दूसरी गवर्नमेंट का कार्यकाल रहा 10 साल का, उनसे भी तब तक तो लोग समझ भी नहीं पाए कि हमें क्या नुकसान है, क्या फायदा है। लेकिन अब जैसे जैसे रिटायर होने जा रहे हैं लोग, बाकी हो रहे हैं, उनको 1200-1400 रुपए प्रति माह पेंशन मिल रही है, तो बड़ा आक्रोश लोगों में पैदा होता जा रहा है। और मोदी जी का दूसरा कार्यकाल है, इसलिए अब बहुत ज़्यादा पेशेंस की भी बात नहीं रही है और पेशेंस बहुत रख चुके हैं हम, अब पेशेंस भी जवाब दे चुके हैं। सर, क्या मानना है कि मतलब कि जहाँ पे प्राइवेटाइजेशन हो गया है, शुरू हो चुका है और वहाँ पे आप पेंशन की मांग कर रहे हैं? देखिए, फिर तो देश में एक तरह से कोई नई बहार आएगी, देश में दोबारा देश को नई तरह से बसाया जाएगा। जो आदमी जो व्यक्ति अब से पहले लग चुका 2004 से सेवारत है, आज वो प्राइवेटिज्म की तरह पर हमारा देश जा रहा है, तो वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारे लिए देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। प्राइवेटिज्म कभी भी एक अच्छी व्यवस्था नहीं हो सकती, अच्छी व्यवस्था नहीं दे सकते। कोरोना काल में आप लोगों ने देखा, क्या प्राइवेट सेक्टर के लोगों ने देश को बचाया या सरकारी नौकरी वालों ने देश को बचाया? हम कोरोना योद्धा थे, हमने लोगों को राशन बांटा, सूखा राशन बांटा, वैसा राशन बांटा, हमने एयरपोर्ट पे ड्यूटियाँ दी, हमने बस अड्डों पे ड्यूटियाँ दी, हमने हॉटस्पॉट पे ड्यूटियाँ दी, हमने देश को संभाला। तो ये सरकारी अभी ये तो हाल फिलहाल की बातें हैं, जब भी कोई आपातकाल होता है या तो गवर्नमेंट को तब उस समय अपने गवर्नमेंट कर्मचारी ही दिखाई देते हैं। लेकिन भाजपा तो कहती है कि सारा का सारा जो है सिरे अपने ऊपर लेती है कि हमने जो देश को संभाल दिया। देखिए, ये तो एक देश संभाल दिया या नहीं, वो तो अर्थशास्त्री भी देख रहे हैं यहाँ पे, उसमें हमें कर्मचारियों को ज़्यादा उन पे कटाक्ष करने की या उन पे कमेंट्स देने की हमें आवश्यकता नहीं है। ये सभी अर्थशास्त्री और देश के हालात को सब देख रहे हैं और समझ रहे हैं और हम तो चाहते हैं कि देश को संभालें, लेकिन हमें कौन संभालेगा? हम तो अपना वास्ता दे रहे हैं सबको, अगर देश को ये संभाल लें तो हमें भी संभालें, कर्मचारियों को भी संभालें। आज पेंशन विहीन जितने हैं उतने पेंशन पाने वाले नहीं हैं, जो अनुपात तो पेंशन विहीन का बहुत ज़्यादा हो गया है, इसीलिए ये बात जो आक्रोश के रूप में बढ़ती जा रही है। सर, लगभग 25 साल हो गए हैं पेंशन विहीन के, जो मामला जो अटल जी की बात बता रहे हैं, उसके बाद से अब तक के कितने बार आप लोगों का कितना धरना प्रदर्शन हुआ, कितनी बार आप लोगों ने मांगी? लगातार धरना प्रदर्शन हुआ और आपने उसका अभी आपने उसका रिजल्ट भी देखा होगा। हिमाचल में चुनाव की अगर हार हुई तो ये सत्ताधारी प्रवक्ताओं का ही कहना है,
कि पेंशन विहीनों के कारण हुई, सरकारी कर्मचारियों के वोट ना देने के कारण हुई, अभी 5 राज्यों में मिली, तो ये अब मुद्दा नहीं रहा, ये राजनीतिक मुद्दा हो गया है और समझना पड़ेगा सरकार को। आपको लगता है कि टीचरों का भाजपा को हराने में कुछ योगदान रहा है उधर? देखिए, शिक्षक तो राष्ट्र निर्माण करता है, शिक्षक देश निर्माण करता है, शिक्षक नए नए बच्चों को, नई नई पीढ़ी को तैयार करता है। हम हराने जिताने में नहीं, हम समझाने में विश्वास रखते हैं। और आज जो मैंने आपके शुरू में व्यक्तित्व में बताया कि यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, बशर्ते कि उनको कोई समझाने वाला चाहिए, उनको अच्छे अर्थशास्त्री चाहिए, वित्त मंत्री को चाहिए कि उनको समझाएं और बताएं कि हमारा योगदान देश के लिए क्या है, कर्मचारियों का योगदान देश के लिए क्या है। अगर लोकसभा में चारों तरफ घूमते हैं तो चारों तरफ कर्मचारी उनको लोकसभा में सदन को चलाते हैं, ना कि कोई और चलाता है। मतलब वो समझ नहीं पा रहे हैं, थोड़ा देर में समझ जाएंगे। किसान आंदोलन हुआ, उसमें भी उनकी अंतरात्मा जागी थी, हम उन पर भरोसा रखते हैं, पक्का जागेंगे, पक्का मानेंगे। किसान तो बहुत परेशान है सर, क्या टीचर ही परेशान है और लोग? देखिए, वो परेशान, हम तो, हमारी परेशानी का तो ये एक ही मुद्दा है, उनके अनेकों मुद्दे हैं, वो फसल उगाते हैं जैसे भी हैं, मैं उस हर मुद्दे को टच करना नहीं चाहता, जो मुद्दा हमारा है हम उसी बात करें। सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है सर, उसमें भी? देखिए, प्राइवेटाइजेशन हमारे स्कूलों में भी तो हुआ है, हमारे पब्लिक स्कूल बहुत आगे जा रहे हैं, आप देखिए उनमें कैसी पढ़ाई है, आप उनमें देखिए बच्चों को वेस्टर्न एजुकेशन दी जाती है। आप हमारे स्कूलों में आइए, अगर देश के असली युवा को, असली पिछड़े दलित और हमारे शोषित वर्ग के बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम पढ़ाते हैं, वो भी इंडस्ट्री है, पब्लिक स्कूल इंडस्ट्री हो चुके हैं, आप प्राइवेट करके देख लें, फिर कहाँ से ये वर्ग पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा, ये भी आप एक बार कल्पना करके सोच देखें। पर बड़े घर के बच्चे तो सर सरकारी स्कूल में आना पसंद नहीं करते ना सर? देखिए, बड़े घर के बच्चों में तो उनको सिखाया इस तरह गया है कि उनको पहले उस वर्ग को बहुत नीचा दिखाया गया है और सोचते हैं कि उस शोषित बच्चे में जो ज्ञान है उसकी प्रतिभा को नहीं वो उनके माता पिता समझाते हैं, वो सोचते हैं कि वहाँ बैठ के किस तरह की बातें करेगा, उसके परिवार का कैसा वातावरण होगा, उस वातावरण का प्रभाव हमारे बच्चे पे ना जाए, ये उनकी संकीर्ण सोच है। कहीं ना कहीं माहौल तो खराब है ना स्कूलों का, सरकारी का? देखिए, सरकारी माहौल को खराब करने में शिक्षकों का तो कोई रोल नहीं है, आप लोग भी सब पढ़े होंगे, मेरे ख्याल में कोई शिक्षक कोई गलत बात तो कभी नहीं पढ़ाता। गलत बात हम क्लास में टीचर नदारद रहते हैं, ये आपको भी मैं, आप कह नहीं है, मैं इसके बारे में आपको कहना चाहूंगा कि आप भी किसी शिक्षक के पढ़ाए हुए पत्रकार बने, शिक्षकों का आप शिक्षकों का सम्मान करें, नदारद रहना, हम भाग के कहाँ चले जाते हैं, आप बताइए स्कूल छोड़ के हम कहाँ चले जाते हैं। आप जो भी आदमी आज यहाँ अपने आप में कुछ बन के खड़ा हुआ है वो किसी ना किसी शिक्षक की मूर्ति की तरह खड़ा हुआ है, इसलिए आप पत्रकारों से मेरा निवेदन है कि सारी मीडिया कम से कम शिक्षकों के अपने उनके लिए उनके सम्मान में ही पक्ष में बोले, और अगर कोई इस तरह की बात हो शिक्षक से बात करें, अगर आपको कहीं अपवाद नजर भी आता है तो आप हमारे से बात करें, हम उससे आपकी उसको भी दूर करेंगे और अपने साथी को भी समझाएंगे। सर, इलेक्शन के पहुंचा रहे हैं ना सर, आपकी बात हम तो पहुंचा रहे हैं लगातार, आपका पहले भी कवरेज किया, अभी भी कवरेज नहीं, आपका धन्यवाद करता हूं मैं, लेकिन जो इस तरह का जो शिक्षकों पे कोई इस तरह का आरोप आता है तो मुझे पीड़ा होती है उसमें। कई बार देखिए, कई बार कचहरियों में इस तरह की बात आई गई कि आप है ना एक काउ का पोएम सुना दीजिए, जिसका जजमेंट होना हो, जिसको अपने मृत्यु और जीवन का खतरा हो आज जजमेंट से, उसका दिमाग 5% काम करता है 100 में से, उस समय क्या पोएम सुनाए हो, क्या उस समय उसकी परीक्षा की जगह है, और उस बात को मुद्दा बना के आगे ले जाया जाए कि शिक्षक पे काउ का ऐसे नहीं सुनाया गया, ऐसे कई बार होता है। हमारा अखाड़ा हमारी क्लास है, हमारी क्लासरूम में आके बात करिए, हमारे क्लासरूम में हमारे बच्चों से हमारा फीडबैक लीजिए। सर, मांगे पूरी नहीं होंगी, महज एक साल बाकी है चुनाव के 2024 में, तो क्या लगता है कि आप रोक पाएंगे? हमारा राष्ट्रीय संगठन IPSEP, इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉय फेडरेशन है, और हमारे दिल्ली का संगठन अध्यापक शक्ति मंच है, और मैं गवर्नमेंट स्कूल टीचर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। अभी हमने कल ही इस पर बैठक की है और हम मकर संक्रांति के दिन अपने अगले कदम का, अगले आंदोलन की घोषणा करेंगे। आज का पर्पज हमारी आम सभा है, इसी विषय में हम विचार लिए जाएंगे और इसके बाद और सभाएं की जाएंगी, आंदोलन से पहले अपनी तैयारी का इसको हिस्सा मान सकते हैं। अच्छा सर, ऐसा क्यों हो रहा है कि तमाम युवा भी सड़कों पर उतर रहा है महंगाई को लेकर, रोजगार को लेकर, अब टीचर भी परेशान है, राष्ट्र निर्माण का काम करता है टीचर बच्चों के लिए, लेकिन आज टीचर को भी जो है अपने हक अधिकारों के लिए यहाँ रोडों पे आना पड़ रहा है, कभी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सभाएं बिठानी पड़ रही है। देखिए, टीचर परेशान सिर्फ एक किसी मुद्दे से नहीं है कि देश पे ये आपदा आई, जो महंगाई है, जो और चीज़ें जो आपने बताई सामाजिक चीज़ें, उन पे हम गौर करते हैं, उन पे हम मंथन करते हैं, और आपको मालूम होना चाहिए कि हम स्कूल में जब आके सबसे पहले तो पूरी खबरें सुनते हैं और खबरें बच्चों को सुबह सुबह असेंबली में भी सुनाते हैं आज की हाईलाइट्स, तो हम उन पे सब चीज़ों पर ध्यान करते हैं। हम परेशान सिर्फ इसलिए हैं कि जो आने वाली पीढ़ी है,
जो कार्यरत लोग हैं उनमें एक अविश्वास पैदा हो गया, एक असुरक्षा की भावना पैदा हो गई, इसलिए सिर्फ और सिर्फ पेंशन जरूर दे दी जाए उनको। अभी सेंटर सरकार में आपकी बात मानी जाए, ऐसा क्या संदेश आप देना चाहेंगे ताकि आपकी पेंशन बहाली करें और आपको जो नियमित है वो आपको मिल पाए? देखिए, हम शिक्षक हैं और शिक्षक के मर्यादाओं में ही, जिसे डिमांड आपको पहले बताई, हमें जो, मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और वो नीचे से उठे हुए हैं, जैसा कि उनका अपना अपने उनकी बैकग्राउंड है, वो छोटे से लेकर बड़ी बातों तक समझते हैं और अब शायद समय आ गया कि उनके दिमाग में ये बात चल रही है, क्योंकि जो ये 5 स्टेटों के चुनाव हुए और इन स्टेटों में जो दूसरा विपक्षी पार्टी अगर इस बात को मान रही है, अपनी गलत को सुधारना चाहती है, तो प्रधानमंत्री जरूर इस बात को मानेंगे, समझेंगे और समझाएंगे और हमें आंदोलन पर विवश शायद ना होना पड़े, इतना भरोसा हम अपने प्रधानमंत्री जी पे करते हैं। अच्छा, लगातार जो टीचरों पे हमेशा से आरोप लगते आए हैं, सरकारी टीचर जो हैं हमेशा बच्चों को पढ़ाने में जो है सफल नहीं रह पाते, वहाँ पर आते हैं, बैठते हैं, चले जाते हैं, ऐसे कई सरकारी स्कूलों के आंकड़े ऐसे आए हैं, तो उस आरोप को कैसे हटाएंगे? देखिए, अब कई बार क्या आता है कि एक ट्यूटर ने किसी बच्चे के साथ छेड़खानी की, पता लगता है कि ना तो वो टीचर है और वो किसी गली मोहल्ले का एक छोटा सा 10वीं 12वीं पास कोई है और उसको टीचर बना दिया जाता है। तो अगर ये बात कही जाए, मैं आपको घोषणा करना चाहता हूँ, आदर्श शिक्षक कभी भी अपने काम से मन नहीं चुराएगा। बच्चा हमारे लिए भगवान है, हम उसको भगवान की तरह उसको मान के आते हैं कि इस अपने बच्चे को हम देशभक्त कैसे बनाएं, देश का भविष्य कैसे बनाएं, इसमें मैं नहीं मानता कि कोई शिक्षक को इस तरह का कोई बर्ताव व्यवहार करता है। और हमारा रिजल्ट दिल्ली का बोर्ड का रिजल्ट साक्षी है हमारे काम का। हर बार पिछली बार हमारा रिजल्ट पब्लिक स्कूल से 3% ज्यादा रहा। आप कैसे कह सकते हैं हमने काम नहीं किया? कोरोना काल में हमने ऑनलाइन पढ़ाया, आप देखिए हमारा रिजल्ट कोरोना काल में कैसा रहा। एक रिजल्ट तो पैमाना होता है, रिजल्ट तो हमारा मापदंड है, वो हमारे को बताते हैं कि हम काम करते हैं क्या करते हैं। इस तरह के आरोप, ये भी मैं कहूँगा, गुरु और शिष्य के गिरती हुई वैल्यूज ये हमारे देश को कहीं ना कहीं बहुत नुकसान पहुँचाएंगे, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे संदेश नहीं जाने चाहिए। अच्छा, अभी आपने कहा कि राष्ट्रभक्त बना रहे, प्रधानमंत्री जी भी तो युवाओं को राष्ट्रभक्त बना रहे हैं, तो देखिए प्रधानमंत्री जी मात्र उद्घोषण अपने भाषण अभिभाषणों से करते हैं, लेकिन जो बच्चे का जो निर्माण होता है वो क्लासरूम में होता है, असली तो उनके तो मूर्तिकार हम ही है। राष्ट्रभक्त तो बहुत पैदा हो रहे हैं ना, अब तो आए दिन राष्ट्रभक्त मिलते हैं। देखिए, वो पॉलिटिकल मुद्दा है, वो जो देशभक्ति आज इस पार्टी ने अपनाया, कल दूसरी राजनीतिक पार्टी ने अपनाया, वो एक राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, लेकिन बच्चों के मूर्तिकार तो हम ही है। कॉन्ट्रैक्ट टीचरों का सर आजकल बहुत जोर है सर, जबकि परमानेंट कम होते जा रहे हैं, उसके वजह से कॉन्ट्रैक्ट टीचर ज्यादा होते जा रहे हैं, बच्चों को सर साथ नहीं पढ़ा पा रहे सर, इस वजह से। देखिए, दिल्ली में इसकी संख्या बहुत ज्यादा घटती जा रही है। अगर अभी बताएं तो हम पिछले 2 वर्षों में कोरोना काल के दौरान भी DSSB ने जो भर्तियां की हैं वो एक बेमिसाल भर्तियां की हैं। 19,000 टीचर हमारे अभी भर्ती हुए हैं और जैसे ही भर्ती पर रेगुलर टीचर आता है तो कॉन्ट्रैक्ट टीचर चला जाता है। इस तरह शायद ये गिनती कम होती चली जाए और हमारे कॉन्ट्रैक्ट टीचर ही इसमें रिक्रूट होकर आ रहे हैं, तो वही भर्ती के मतलब रेगुलर होते जा रहे हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। अगर कॉन्ट्रैक्ट टीचर अगर हैं, अगर कहीं इसकी इस तरह की मानसिकताएं हैं, तो आप ये मानिए कि कम पैसे में अच्छा टैलेंट नहीं मिलेगा, इसलिए कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर तो कम से कम ना रखें, कोई लेबर रख लें, टीचर ना रखें। अगर क्वालिफाइड टीचर लेना है तो काम के दाम देने पड़ेंगे, तभी क्वालिटी निकल के आएगी। तो कॉन्ट्रैक्चुअल जो टीचर है मतलब उसमें क्वालिटी नहीं है, वो पढ़ के नहीं आ रहा है, वो सीटेट वगैरह ये सब के नहीं आ रहा है। ये हमारा मेंटल वर्क है। अगर हमारे में कहीं ना कहीं असुरक्षा हीनता की भावना रहेगी कि मेरा वेतन कम है, तो हम अच्छी पढ़ाई नहीं करा पाते। उसके जीवन की जॉब की सिक्योरिटी नहीं है उसको, वो पढ़ाएगा तो दिमाग में तो जो भी जॉब घूमती रहेगी, मैं इनसिक्योर हूँ, मैं इनसिक्योर हूँ। आप देखिए, मैं ना मेरा मेरा सिर्फ भाषण देना, अध्यापक का आपने कहा था कि पैसा सही मिलेगा तो काम पढ़ाई में भी मन लगेगा, अध्यापक का काम होता है बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, अपना जो पूरा उस पर लुटाना, तो क्या मतलब पैसा अच्छा मिलेगा तभी मतलब वो अच्छी शिक्षा देगा? या क्या शिक्षक की परिस्थिति अच्छी नहीं होनी चाहिए? क्या शिक्षक के परिवार की स्थिति अच्छी नहीं होनी चाहिए? क्या उसको एक सम्मानजनक वेतन नहीं मिलना चाहिए? अगर आप समझते हैं कि दीनहीन शिक्षक घूमता रहे तो उसका एक बच्चों के हम आइडियल होते हैं, हमें देख के बहुत कुछ सीखता है, वो देखता है मेरे सर कैसे हैं। अगर सर ही जाके गलियों में अपने एक गुजर बसर के लिए घूम रहे होंगे तो बच्चे पे क्या संदेश जाएगा? इसलिए सम्मानजनक वेतन मिलना तो प्राथमिकता है। ठीक।